नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वैसे तो आप लोग मेरी कई सारी वीडियोस देखते हैं जिसमें हम चर्चा करते हैं अक्सर अपने पढ़ाई की और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो कि हमारे लिए आवश्यक हैं। और हम जब अपने कैरियर में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाते हैं जो कि हमारे लिए पढ़ना, हमारे लिए सिलेबस बहुत कुछ है। ऐसे में क्या है कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत हैक्टिक शेड्यूल है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अचानक एक चीज़ मेरे दिमाग को हिला दी। दिमाग को हिलाने का मतलब है कि मैं एक ऐसे स्टूडेंट से आज मिला और खुद को नहीं रोक पाया एक वीडियो बनाने के लिए। जब उससे मिलने के बाद देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो बीमारी है बहुत लोगों को परेशान कर रखी है। आज का जो मैं टॉपिक लिया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या कि इसको मोटिवेशन समझें, कैरियर समझें, या कुछ भी समझें, वो है सर्वश्रेष्ठ क्या है जिंदगी में, वो है प्रेम। अब सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज़ की है कि इसकी जो परिभाषा है लोगों ने सीमित कर दी है। उनको लगता है कि प्रेम का मतलब होता है एक महिला मित्र और पुरुष मित्र के साथ जो अंतरंग संबंध है वो प्रेम कहलाता है। गलत सोचते हैं यार आप। पहली बात तो यह है कि प्रेम को समझते नहीं कि प्रेम है क्या, और बिना समझे ही एक रोग बना लेते हैं और फिर ढूंढते फिरते उसके इलाज को और जिंदगी को डंब कर देते हैं। ये हकीकत में आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। जरा सुबह उठ के देखिए कि आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करता है। तो सबसे ज़्यादा प्रेम आपकी नेचर आपसे करती है, आपकी प्रकृति आपसे करती है। क्या कोई ऐसा सिंगल दिन गया जब सूर्य ना निकला हो, सूर्य ने अपना काम ना किया हो? क्या कोई ऐसी दिन गया जब हवा ने अपना काम ना किया हो? किसी ने कह दिया हो नहीं नहीं आज तुमने मुझे ये मेरे को तुमने सोना मुझे इतवार तुमने गिफ्ट नहीं दिया इसलिए आज मैं तुझे ऑक्सीजन नहीं दूंगी, बोला? कभी नहीं, स्वार्थ से बिल्कुल हट करके। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पहले तो प्रेम की परिभाषा को समझो मेरे भाई, फिर जाना। मुझे पता है कि तुम मेरी वीडियो देखोगे तो समझ जाओगे कि मैं वीडियो तुम्हारे लिए बनाया हूं, और तुम्हारे दिमाग में एक जाएगा कि आखिरकार प्रेम होता क्या है। फिर दूसरा सबसे बड़ा प्रेम कौन करता है? आपका परिवार। किसी भी स्थिति परिस्थिति में वो परिवार में सबसे प्रमुख आते हैं आपके माँ और बाप। पहले मैं माँ को क्यों बोला उसकी पीछे वजह बताता हूँ। बाप को पता नहीं होता था, जब बच्चा रात में रोता था तो बाप को नींद मतलब डिस्टर्ब हो जाती थी, बाप की, यार रो रहा है देखो क्या है। माँ तब भी आपको समझा लेती थी या समझ जाती थी कि वो भूखा हुआ है, आपको तुरंत फीडिंग कराती थी। उसके बाद आपको यह भी पहचान लेती थी कि आपने कब टट्टी कर दी, कब आपने पेशाब कर दिया, कब आपको भूख लगी है, कब नहीं। और इसके बाद सिस्टम शुरू होता है आपके प्रेम का। उससे बढ़ के कोई प्रेम आपसे कर सकता है? अगर इस दुनिया में उससे बढ़ के कोई ऐसी लड़की है या कोई ऐसा लड़का जो आपसे प्रेम कर सकता है, तभी उसको स्वीकार करना कि हाँ मैं इसके लिए जान दे सकता हूं या मेरे लिए जान से बढ़ करके, अन्यथा बिल्कुल नहीं। और मुझे पता है इसका आंसर यही होगा कि नहीं, उस माँ और बाप से बढ़ के कोई भी प्रेम कर ही नहीं सकता है। तो सबसे पहली बात तो इसकी व्यापकता को समझें आप। प्रेम बहुत विराट है यार, बहुत बड़ी चीज है। इसको समझने के लिए आप ये समझो कि पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, नहीं समझ पाएंगे। और जिसको समझना है वो एक सेकेंड में समझ जाएगा कि प्रेम व्याप्त है हर जगह। प्रेम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, प्रेम अपने आप में महान है, अपने आप में भगवान है। हर चीज में आपको प्रेम नजर आ सकता है। लेकिन ये सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ी विडंबना हमारे समाज में या हमारे आसपास इस चीज की है कि इसका इसकी शिक्षा नहीं दी जाती, इसकी चर्चा नहीं की जाती। जहां प्रेम का शब्द आता है तो तुरंत पेरेंट्स भी पीछे हो जाते। मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, कि आप लोग एक बार कभी बड़े हो जाते हैं, जब मैं याद है मुझे 11th क्लास का एक चैप्टर है, अ लेटर टू फादर टू सन, एक पत्र बाप का बच्चे के लिए, उस पर इतना जब क्यों 11वीं क्लास के सिलेबस में उसको क्यों डाला गया? उसका रीजन था कि जैसे बच्चा 10वीं तक आता है, 9वीं तक आता है, जो 6ठी तक होता है तो बड़ा लाड़ दुलार करता है बाप उसको, लेकिन जैसे ही वो बच्चा आता है, जैसे बड़ा हो जाता है, जब उसको आवश्यकता होती है सबसे ज्यादा अपने जीवन में, तब वो बाप उससे दूरियां बनाने लगता है।
बाप को ये लगता है कि नहीं अब बच्चे से दूरियां बनाना जरूरी है, अब इसको कांधे पे लेकर आना तो ठीक है कांधे पे मत ले जाओ। बाप उसकी ज्यादा फिक्र करने लगता है उसके कैरियर की ओर, अब भूल जाता है उसके दिमाग में जो सबसे बेहतर दोस्त था वो था उसका पिता। और याद रखिए जब बेस्ट फ्रेंड ही आपका साथ छोड़ दे तो दुनिया को क्या सुनाए। ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में सबसे बड़ी बुरी मनाई आती है कि वो फिर दोस्त बनाता बाहर। मैं हर एक लड़के लड़की की बात कर रहा हूं, पेरेंट्स भी इसी बात को समझें। और इसके अलावा जब वो प्रेम की परिभाषा सुनता है दूसरों से तो उसको लगता है कि गर्लफ्रेंड बनाना बॉयफ्रेंड बनाना प्रेम है या ये प्रेम कर रहा है, जबकि उसकी पहली प्राथमिक विद्यालय उसके घर था और जो प्रेम करने वाली साक्षात दिव्य दृष्टि वाली माँ है और पिता, वो दोनों ही नहीं पता है उसको कि प्रेम क्या है बच्चे। अब उसके दिमाग में प्रेम भर गया, प्रेम का दूसरा रूप आ गया। अब होता ये है, आपको एक अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप प्रेम को एक सिर्फ बॉय या गर्ल पे कर देते हैं, डिपेंड कर देते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है। अक्सर मैंने देखा है कि एक लड़का एक लड़की को बहुत पसंद करता है या लड़की लड़के को बहुत पसंद करती है, इतना पसंद करती है कि जीने मरने के दावे खा जाते हैं। कई बार तो हो जाता है कि मेट्रो के सामने कूद जाएंगे अगर आज तुम नहीं बोले तो, बस के सामने आ जाएंगे, ऐसा भी होता है बिल्कुल। और अगले 10 दिन के बाद अचानक से दिमाग बदल जाता है कि नहीं जी मतलब मैं तो गलत कर रही थी, सॉरी आई वॉज रॉन्ग। किसी ने कहा कि नहीं तुम ये क्या कर रही हो या तुम क्या कर रहे हो, अचानक नहीं सॉरी अब मैं आपसे बात नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि मुझे लगा कि मैं धोखा दे रही हूँ। तो फिर पहले क्या कर रही थी तुम, बहुत बड़ी एक विडंबना है। इसका मतलब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम प्रेम कर रही थी, हकीकत तो ये है कि तुम अभी भी नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो या तुम क्या कर रहे हो। ये मैं दोनों चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ। हकीकत यह है कि अगर आपने वास्तविकता में किसी से प्रेम किया है, अपने माँ से, अपने बाप से, अपने कैरियर से, अपने जिंदगी से, तो मैं इतना जानता हूं कि आप उसको प्राप्त करेंगे। उसको आप ये नहीं कह सकते किसी के कारण कि नो सॉरी मैं पहले प्रेम था मेरा अब प्रेम नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप लोग स्टूडेंट हैं, कैरियर के लिए पीछे भाग रहे हैं, हकीकत बताऊं तो सबसे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए महत्वपूर्ण प्रेम होता है उसकी जॉब, उसकी सरकारी नौकरी, उससे बढ़कर प्रेम तो मैंने देखा नहीं। तलवे घिस जाते हैं, सिर के बाल उड़ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लेकिन फिर भी नहीं, हमें एक जॉब चाहिए, हमारी वो नौकरी चाहिए, लगा रहता पूरा, एक कैरियर चाहिए सुनहरे भविष्य के लिए, ये भी तो प्रेम है, इसको कभी क्यों नहीं जस्टिफाई कर पाया। तो प्रेम को एक छोटे से पतीले में प्लीज़ इसको स्टोर करने की कोशिश ना करो। अब बताता हूँ होती विडंबना ये है, थोड़ा सा मेरे जो मेरे भाई बहन हैं या मेरे जो दोस्त हैं वो सब इस चीज़ को समझ पाएंगे। मेरी वीडियो मुझे पता है, मेरा भाई भी देखता है, मेरी बहन भी देखती हैं। आप सब के लिए भी संदेश है तुम्हारे बड़े भाई की तरफ से और बाकी जो मेरे जो जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने जो भी लोग देखेंगे उन सब के लिए कि जीवन की हकीकत को समझिएगा ज़रूर। हकीकत ये है कि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। अब बताता हूं कैसे। बायोलॉजिकल संरचना कहती है कि आपका शरीर एक्स और वाई क्रोमोसोम से बना है। आपने एक चीज और देखी होगी, अर्धनारीश्वर रूप देखा होगा आपने शिवजी और पार्वती जी का, उनमें दोनों में एक चीज पाएंगे आप कॉमन कि एक शरीर में एक साइड पार्वती जी एक साइड शिवजी है। क्या मतलब इसका जानते हैं? अक्सर ऐसा क्यों होता है कि कोई लड़का बहुत अच्छा लगता है फिर अचानक बुरा लगने लगता है, कोई लड़की अच्छी लगती है अचानक बुरी लगने लगती है, ऐसा क्यों? उसकी वजह ये बताता हूँ मैं। आपके अंदर अगर आप लड़के हैं तो आपके अंदर एक लड़की का रूप, और अगर आप लड़की हैं तो आपके अंदर एक लड़के का रूप विद्यमान होता है। हमें दुनिया में हर कोई पसंद नहीं आता है, कुछ ही पसंद आते हैं। वो क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि वैसी क्वालिटी जो हमारे अंदर है उस लड़के के लिए या उस लड़की के लिए, वही कुछ क्वालिटी अगर हमें उसमें दिख जाती है, हमें वैसा कुछ नजर आ जाता है, हम सोचते हैं बस थम जा समा, ऐ थम जा, बस यही है मेरा हमनवा। अब बाद में क्या होता है हमनवा का, डेट किए, शॉपिंग किए, कुछ भी किए, गाली शुरू, लातें शुरू। क्योंकि दिक्कत ये थी कि हमने एक औपचारिकता दिखाने की कोशिश की, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढमका हूं। तो वो लड़का हो या लड़की, आपके फलाना ढमका जो चीज चल रही थी ना दिखावा, उसके पड़ गया। लेकिन जब वास्तविकता आपकी सामने आई, आपकी ओरिजिनलिटी सामने आई,
तो सारा का सारा जो प्रेम का महल बना था ढह गया। ऐसा क्यों? उसकी वजह है कि आपके अंदर व्याप्त प्रेम। और याद रखिएगा, जो लड़की आपके अंदर है वो बाहर कभी वास्तविकता में हो ही नहीं सकती, और जो लड़का आपके अंदर है वो वास्तविकता में वो लड़का हो ही नहीं सकता। हाँ, एक ही चीज़ हो सकती है, उसकी कुछ क्वालिटियाँ उससे मिल सकती हैं। तो कृपया करके प्लीज़ कभी भी जिंदगी में इस प्रेम को रोग मत बनने दें। रोग का मतलब क्या? रोग का मतलब जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता है। स्वास्थ्य क्यों खराब होता है पता है? मानसिकता से स्वास्थ्य खराब होता है। जब आपको लगता है कि आपने किसी से प्रेम किया है, वो आपके साथ नहीं है, या वो आपको छोड़ के धोखा दे रहा है, गलत सोच रहे हैं आप। प्रेम तो आज भी आपसे पूरी दुनिया कर रही है, प्रेम तो पूरे नेचर आपसे कर रही है, आपके माँ बाप कर रहे हैं। आप एक बार जाके बोलना, माँ मुझे बहुत टेंशन है। देखना तुरंत क्या बोलेगी माँ, माँ मुझसे नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं बेटे, थोड़ा डांटेगी जरूर, लेकिन बाद में कहेगी, तो आपको पता है प्रेम क्या है। एक बड़ा भाई, छोटे भाई अगर आप जाके बोलिए भैया मुझसे नहीं हो रहा है, वो उसका आंसर सुनिएगा। बहन से जाके बोलिएगा। कभी आपने सोचा है, अगर आप पेरेंट्स हैं तो कभी आपने अपने बच्चे को गले लगाते हैं? या अगर आप स्टूडेंट हैं या छात्र हैं, कभी आप सुबह शाम उठते हुए जितनी बार बाबू सोना करते हैं, क्या उतनी बार अपने पेरेंट्स को भी बोलते हैं पापा प्रणाम, चरण छूते उनके, उनके आशीर्वाद लेते हैं? क्यों? इसीलिए ना आप इधर के रह पाए ना उधर के रह पाए। और याद रखिएगा अच्छे से मेरी बात को, सबसे बड़ा प्रेम आपकी प्रकृति और उसके बाद आपकी परिवार है। अगर आपका परिवार चाहता है कि आप संपन्न हो, तो देखिए कितनी बड़ी बात है। वो चाहता है कि आप संपन्न हो, आपका कैरियर अच्छा बने, आप बड़ी नौकरी पाए, इससे बड़ा त्याग कौन करेगा? और उसको प्राप्त कराने के लिए आपको दिन रात मेहनत करता। तो अगर आपने ये कैरियर नहीं बनाया या उनके अनुमानों पर आप खरे नहीं उतरे, तो मैं तो कहता हूं आपकी जिंदगी को थू है। कहेगा सब प्यार तुम्हारा दट नालायक, ऐसी ऐसी बकवासबाजी बहुत बेकार है। एक कैरियर, एक चीज ही तो मांगी थी तुम्हारे माता पिता ने, और किसके लिए मांगी थी यार? तुम्हारे लिए मांगी थी कि तुम अपनी जिंदगी फक्र से जी सको। बात समझ रहे हो? एक किसी बहुत बड़े सार ने कहा था, एक चीज कहा था, एक बहुत ही गजब की उनकी दो पंक्ति मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा था कि अगर आप कभी भी अपने पूरे के पूरे शरीर की चमड़ियां निकाल के आप उसकी जूती बनवा करके अगर तू अगर अपने पेरेंट्स को पहनाएगा ना, तब भी उनके प्यार का हक तुझ पे अदा नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? इसलिए कभी भी इस चीज को डिनाय ना करें और प्रेम को समझें, आप रोग से दूर रहेंगे। और ऐसे रोग जो होते हैं आपको पीड़ित करेंगे ही करेंगे, हर हाल में करेंगे, क्योंकि आपको जगह प्रेम की व्यापकता को पता नहीं होगा, या प्रेम की यूनिवर्सिटी को आपको पता नहीं होगा कि कितना यूनिवर्सल है प्रेम, फिर आपको इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ गए हैं इस रोग में और आपको लग रहा है, क्योंकि रोग क्या है इसको ना समझना ही रोग है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए मैं वीडियो बना के आता हूं। मुझे लगता है कि मेरी इस बात से हो सकता है 1000 देखेंगे या जितने भी लोग देखें उसमें से 2-4 अगर समझ जाएंगे, तो मेरे जो वीडियो बनाने का या मेरे जो शब्दों को आप तक पहुंचाने का जो मेरा उद्देश्य है पूरा हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप प्रेम करिए, लेकिन प्रेम को समझ करके, उसके रोग में बिल्कुल मत पड़िए, उसके इलाज की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जो भाई, जो बहन, जो ऐसे दोस्त आपको मिले जो इस प्रकार से ग्रसित हैं, मैं देखता हूँ लोग हाथ काटते हैं, पैर काटते हैं, तू आई लव यू नहीं बोलेगी तो मैं हाथ काट दूंगा। अरे क्या यार, क्यों भाई काट दे फिर? मैं तो कहता काट दे, काट बात करते फालतू में। मेरे ये किसने कहा कि मतलब 4 घंटे बात करोगे तो ही प्रेम प्रूफ होगा? अरे अपना वर्क करो। और इतना याद रखना कि अगर अपने आप वर्क कर रहे हैं और अगर आपका सपोर्ट करने वाला साथी आपका, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अगर उसमें सहायता नहीं कर रहा ना, तो समझ लीजिएगा कि वो प्रेम नहीं है, कुछ तो लोचा है। तो प्रेम की व्यापकता को समझें। सभी पेरेंट्स से मैं निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को समझें, उनको बच्चों को बताएं कि प्रेम वास्तविकता में क्या है,
प्रेम नाम सुनकर के आप बिल्कुल इतना ज़्यादा आप भी ओवर रिएक्ट मत करें कि बच्चे को लगने लगे कि आप प्रेम वाकई में ऐसी कोई जादू की पुड़िया क्या चीज़ है। व्यापकता उसको समझाएं। मैं दिनेश कुमार आप सभी से अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जो भी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे यार तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो ये नहीं कहूँगा करो, मैं ये कहूँगा कि किसी को समझा जरूर देना कि प्रेम बहुत व्यापक है, बहुत इसकी सार्थकता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।